हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं अगर आपको लगातार बिना सोए 30 दिनों तक गुजारना पड़ जाए तो क्या होगा? ये सवाल सुनकर ही शायद आप घबरा जाए, लेकिन साल 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट रशिया में बंदी बनाए 5 कैदियों के साथ किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उन कैदियों को लगातार 30 दिनों तक बिना सोए गुजारना था और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट का मतलब था एक ऐसी सेना तैयार करना जिसका नींद या आराम से कोई भी रिश्ता नाता ना हो। आखिर कब तक कोई इंसान बिना सोए जिंदा रह सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए इस हैवानियत भरे एक्सपेरिमेंट को किया गया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को पूरा होने से पहले ही बंद कर दिया गया। लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। सन 1940 जब सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था, लगातार युद्ध में सैनिकों की जरूरत पड़ रही थी। आए दिन सैनिकों की भी कमी होती जा रही थी, इसीलिए रशियन को अब ऐसे सैनिकों की जरूरत पड़ने लगी जो आराम कम करके युद्ध में ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। ऐसे में रशियन ने अपने 5 कैदियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। यहाँ पर कैदियों को झूठा भरोसा दिया गया कि अगर वो लगातार बिना सोए 30 दिनों तक एक चैम्बर में समय गुजारते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। शायद इसीलिए वो 5 कैदी उस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। इन 5 कैदियों को एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया। वहाँ उन्हें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी दी गई। चैम्बर के अंदर एक टॉयलेट भी बना हुआ था। देखा जाए तो उन्हें हर तरीके की सुविधा दी गई थी, लेकिन सोने और बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण उन पर नजर रखने के लिए 1-वे मिरर लगाया गया था। साथ ही कमरे की हलचल को जानने के लिए कमरे के भीतर एक माइक्रोफोन भी रखा गया था। कैदियों को जगाए रखने के लिए उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस ऑक्सीजन में उचित मात्रा में मिलाकर धीरे धीरे प्रवाह किया जाता था। करीब 4 दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 5वें ही दिन से उन कैदियों की बेचैनी बढ़ने लगी और वे सभी अजीब सी हरकतें करने लगे। दिन गुजरने के साथ साथ कैदियों की हालत बिगड़ने लगी थी। इनमें से एक कैदी की हालत बहुत बिगड़ गई। 9वें दिन उसने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया। इसके बाद वो कई घंटों तक लगातार चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसके वोकल कॉर्ड भी फट गए। उसके बाद वो कभी बोल ना सका। धीरे धीरे सभी बाकी कैदियों के साथ भी यही होने लगा था। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था, उसका असर अब सभी कैदियों पर दिखने लगा था। धीरे धीरे वो सभी अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे थे, अजीब सी हरकतें करने लगे थे, कोई देख ना ले। इसीलिए कैदियों ने किताबों के पन्ने को फाड़कर उस कांच के खिड़की में चिपकाना शुरू कर दिया जिस कांच से रिसर्चर्स नजर रखते थे। धीरे धीरे अब रिसर्चर्स कमरे में गैस की मात्रा को बढ़ाने लगे तो कुछ दिनों तक कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाजें आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल भी बंद हो गई। रिसर्चर्स को लगा कि माइक्रोफोन में शायद कोई गड़बड़ी हो गई होगी। हालांकि उस कमरे में उपयोग हो रहे ऑक्सीजन से ये पता चल रहा था कि सारे कैदी अभी भी जिंदा हैं, लेकिन अचानक से वो लोग शांत क्यों हो गए? अगर वो कैदी जिंदा है तो आखिर है कहाँ? रिसर्चर्स के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय उस चैम्बर में दाखिल होने की। लेकिन रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था उसे ध्यान में रखते हुए उसके पास कोई भी चारा नहीं था। पर कोई भी रिसर्चर्स उस कमरे में जाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ दिनों तक जब आवाज आनी बंद हो गई, तो घबराए रिसर्चर्स ने उस कमरे से गैस हटाकर अंदर जाने का निर्णय लिया। दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने माइक से अनाउंसमेंट किया कि हम माइक्रोफोन की जांच करने के लिए दरवाजा खोलने वाले हैं। सभी कैदी दरवाजे से दूर हट जाएं और जमीन पर लेट जाएं। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया और इधर उधर भागने की कोशिश किया तो उसे वहीं गोली मार दिया जाएगा। अगर तुम सब हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो तो तुम लोगों में से किसी एक कैदी को आजाद कर देंगे। तभी अंदर से एक खौफनाक आवाज आई, हमें यहीं रहने दो, हम आजाद नहीं होना चाहते। अब रिसर्चर्स दुगुनी मात्रा में एक्सपेरिमेंटल गैस कमरे के अंदर प्रवाह करने लगे, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया। रिसर्चर्स को लगा कि अब सारे कैदी मरने के हालत में
आ गए होंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के 15 दिन गुजर चुके थे। इसलिए रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि वो इस एक्सपेरिमेंटल गैस को बंद करके कमरे के अंदर दाखिल होंगे। जैसे ही एक रिसर्चर ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का नजारा हैरान कर देने वाला था। फर्श पर चारों ओर खून ही खून बिखरे पड़े थे। जिस थाली पर उन्हें खाना दिया जाता था वो सारे खाने जस के तस पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि कैदियों के कटे हुए अंग भी फर्श पर जहाँ तहाँ बिखरे पड़े थे। लग रहा था जैसे वो खाना खाने के बजाय अपने ही मांस को नोच कर खा रहे थे। पांचों में से एक कैदी अपने शरीर का इतना मांस खा चुका था कि देखते ही देखते वहीं पर उसकी मौत हो गई, लेकिन बाकी चारों अभी भी जिंदा थे। ऐसे नजारे को देखकर रिसर्चर्स के भी होश उड़ गए। ऐसा खौफनाक नजारा शायद ही रिसर्चर ने कभी देखा होगा। तुरंत ही सारे कैदियों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और जब ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन इंजेक्शन लगाया गया तो उस पर इंजेक्शन का कोई भी असर नहीं हुआ। मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, लेकिन एक के बाद एक लगातार 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो सारे कैदी होशो हवास में थे और बार बार डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें बेहोश ना किया जाए, होश में ही हमारा ऑपरेशन किया जाए। शायद उन्हें अब दर्द में भी मजा आने लगा था। साथ ही वापस उसी कमरे में जाने के लिए वो दया की भीख मांगने लगे। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 2 कैदियों की जान चली गई। धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट हैवानियत का रूप लेने लगा था। इसके बावजूद भी इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका गया। बाकी बचे 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। अब कैदियों की हालत को देखते हुए रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहते थे, पर कमांडर के आदेश के वजह से वो ऐसा नहीं कर सके और इस बार उन कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी अंदर रखा गया ताकि वो गंभीरता से कैदियों की जांच कर सके। लेकिन लगातार कैदियों की हालत को देखते हुए एक रिसर्चर इतना डर गया कि उन्होंने चीफ कमांडर को ही गोली मार दिया। दोनों कैदी में से एक कैदी जो चुपचाप बैठा हुआ था उन्होंने उसे भी गोली मार दिया। ये सब देखते हुए बाकी बचे 2 रिसर्चर्स भी वहाँ से भाग खड़े हुए। अब कमरे में सिर्फ एक कैदी और एक रिसर्चर बंदूक लिए खड़ा था। रिसर्चर ने आखिरी बचे कैदी से पूछा कि कौन हो तुम। उस कैदी ने जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं मौत हूँ तुम्हारी, मैं इंसान के अंदर वो राक्षस हूँ जिसे लोग कभी बाहर नहीं आने देते। ये सुनते ही उस रिसर्चर ने उसे गोली मार दिया। इसके बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार दिया। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक दिया गया। रिसर्चर और कैदियों की मौत के बाद इस पूरी घटना को सीक्रेट रखा गया ताकि इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी दुनिया को पता ना चले। तो ये थी दी रशियन स्लिप एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट वाकई में किया गया था या सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानी है? दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा दिन जागने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है रैंडी कार्टर। इन्होंने लगातार 11 दिन 25 मिनट तक लगातार जागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इसके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। 11 दिनों तक लगातार जागने के बाद उन्होंने बस 10 घंटे का नींद लिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया और ये शख्स आज भी जिंदा है, वो भी सही सलामत। इससे पहले टॉम नाम के एक शख्स ने लगातार 10 दिन 8 घंटा और 33 मिनट जागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, पर इसके साथ भी ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट से, तो उस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 5वें ही दिन उन कैदियों पर ऐसा बदलाव देखा गया और 9वें ही दिन वो सारे कैदी अपने ही मांस को खाने लगे थे। चलो मान लेते हैं कि हो सकता है शायद उस एक्सपेरिमेंटल गैस की वजह से उन कैदियों की हालत ऐसी हुई होगी, पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई दवा या ऐसी गैस नहीं बनी है जो किसी भी इंसान के व्यवहार को इस कदर बदल दे कि वो अपने ही मांस को खाने लगे। इन सब बातों से हमें साफ पता चलता है कि द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट महज एक झूठी कहानी थी जिसे हमने इंटरनेट पर देखा या सुना था। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले साल 2009 में क्रीपी पास्ता नाम के एक वेबसाइट में किसी अनजान अकाउंट के जरिए पब्लिश किया गया। इसके बाद देखते ही देखते इस स्टोरी को बहुत सारे लोगों ने कॉपी करके अपने वेबसाइट्स पर भी डालना शुरू कर दिया और इस तरह से ये कहानी बेहद पॉपुलर होने लगी। जब बात आई रशियन गवर्नमेंट की तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करवाया था। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।